Hello students, today we are starting tenses. So what is tense? The time of action shown by the verb is called tense. The time of the action can be present, past or future. मतलब अगर हमें किसी क्रिया से ये पता चले कि कोई काम किस समय पर हो रहा है तो उसको बोलते हैं tense. The time of action, काम का समय, ठीक है ना. और वो जो काम होता है वो किस किस समय पर हो सकता है, present में हो सकता है, past में हो सकता है और future में हो सकता है. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. रानी इज प्लेइंग फुटबॉल. रानी फुटबॉल खेल रही है. तो खेल रही है किसने बताया, इस वर्ब ने बताया, प्लेइंग ने बताया, ठीक है ना. तो ये क्या होगा, ये वर्ब होगी हमारी. और वो खेल रही है वो किसने बताया, हेल्पिंग वर्ब ने बताया, इसने बताया कि वो अभी प्रेजेंट में खेल रही है. तो देखिए इसके अंदर जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है, क्या चीज खेल रही है वो, तो वो होगी ऑब्जेक्ट हमारी, फुटबॉल से खेल रही है. वो खेल रही है वो होगी हमारी वर्ब, क्या काम कर रही है मतलब वो. इसके बाद इस जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़ने में काम आती है. इसके बाद सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कौन खेल रहा है, रानी खेल रही है. तो सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आई वर्ब, वर्ब के बाद आई ऑब्जेक्ट. तो जो आपने देखा जो टेंस है वो दो चीज़ों पर निर्भर है, एक तो टाइम पे और एक वर्ब पे. मतलब कोई काम किस समय पर हो रहा है उसी से हमारा टेंस बना है, टाइम प्लस वर्ब. और देखिए ये जो सेंटेंसेज भी मैं बताऊंगा आपको, देखिए ऑल सेंटेंसेज हैव फिक्स्ड पैटर्न और फिक्स्ड फॉर्मूलास. हर एक सेंटेंस का एक अलग सा पैटर्न होता है और एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है. जैसे कि आप इसी में ही देखेंगे, इसका दूसरा बदल के एक सेंटेंस देखते हैं. रानी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये पास्ट टेंस है हमारा. देखिए हमने यहाँ पे इसको हटा के क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया. तो ये कैसा टेंस बन गया, पास्ट टेंस बन गया. मतलब रानी फुटबॉल खेल रही थी, अब यहाँ पे आके थी, तो मतलब इसका एक अलग पैटर्न है, इसका एक अलग फॉर्मूला है. इसके बाद अगर मैं वॉज को हटा के लिख दूँ, वॉज और प्लेइंग दोनों को हटा के लिख दूँ, रानी हैज प्लेड फुटबॉल, तो देखिए इसमें भी अब ये दूसरा बन गया, अब ये बन गया प्रेजेंट टेंस. ये भी प्रेजेंट टेंस था, ये भी प्रेजेंट टेंस था, लेकिन इसका एक अलग फॉर्मूला है, अलग पैटर्न है. और फिर देखते हैं रानी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, रानी फुटबॉल खेल रही होगी, तो ये कैसा बन गया, फ्यूचर टेंस. मतलब एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में. तो देखा हमने इन चारों सेंटेंसेस में कैसा फॉर्मूला यूज हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लग रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लग रही है, फिर वर्ब लग रही है और फिर ऑब्जेक्ट लग रहा है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है. तो देखते हैं टेंसेस के बारे में, ये कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस, वो हम सीखेंगे टेंसेस से. तो देखते हैं कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस. देखिए पहले बात तो 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं. कौन कौन से टेंस, सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब में चार चार डिवाइडेशन होती है. इंडेफिनेट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही इसी में होते हैं. इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरीके से फ्यूचर में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. एक एक करके हम सारे टेंसेस पढ़ेंगे. सो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन एक्शन हैपन्स रेगुलरली और राइट नाउ, जब कोई एक्शन, जब कोई काम हमारा रेगुलर बेसिस पे होता हो, मतलब रोजाना होता हो, या फिर राइट नाउ अभी अभी हुआ हो, तो उसको हम गिनते हैं सिंपल टेंस में. और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप इसके इंग्लिश के सेंटेंसेस हिंदी में बनाते हैं तो लास्ट में आता है हमेशा ता है, थी है और ते है. जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है ना. तो ये मेरा एक रेगुलर बेसिस पे एक हो गया. तो ये काम किस में आएगा, मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस में. वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं. दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं. यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो. बट शी प्लेस क्रिकेट, अब देखिए यहाँ पे प्ले आ रहा था लेकिन यहाँ पे आ गया प्लेस, एस लग गया यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, वही बात हम आज सीखेंगे. शी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है. ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है. द चाइल्ड प्लेस क्रिकेट, वो बच्चा क्रिकेट खेलता है. ये मैंने साइड में लिख दिए हैं कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, इसी तरीके से सब इसको नोटेड डाउन करिएगा, ठीक है. अब आप ये इतना समझिए कि सिंपल टेंसेस चार
सिंपल टेंसेज में फोर टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसी तरीके सारे टेंसेज में हमेशा हम फोर टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी तरीके से आगे आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए इसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। अफर्मेटिव में मतलब, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट या फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ रहा था, सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ रहा था, आई प्ले क्रिकेट वाले में देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा था सब्जेक्ट, जो कर रहा है काम, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। उसके बाद प्ले आ रहा था मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मतलब ये क्रिया है, क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आया थी, वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद क्या आ रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। और नीचे वाले सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगा हुआ था। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, जो इसका रूल बनता है, वो किस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब ये एस या ई एस कैसे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक बात याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या फिर डस। क्या लगता है, डू या फिर डस। जैसे कि मैं पहले वाले सेंटेंस को ही लेके चलूं, आई प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट है, अब मैं इसको नेगेटिव बनाता हूं, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं को अब क्या लिखना चाहता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या बोलूंगा मैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं ये नहीं लिख सकता आई नॉट प्ले क्रिकेट, मुझे एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी जो कि डू है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, बट यहाँ पे देखिए क्या आ गया, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हम देख रहे थे शी के साथ क्या लग रहा था, प्ले में एस लग रहा था, यहाँ पे हमने देखा डू नहीं लग रहा शी के साथ, डज लग रहा है। तो कैसे ये वाली बात, इसमें एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये एक चीज नोट करिए, नो एस और ई एस विद वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब होती हैं, देखिए प्ले 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 प्ले, यहाँ पे ये वर्ब है, तो इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है, किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पे देखिए शी के साथ जो वर्ब थी उसमें एस लग रहा था, ठीक है ना, लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो शी के साथ वर्ब है प्ले, इसमें एस नहीं लग रहा है। तो हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में यही बात ध्यान रखनी है, नो एस और ई एस विद वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद डज विद थर्ड पर्सन, जो डज होता है ना वो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। अब ये थर्ड पर्सन क्या होते हैं वो भी, जो ये डज होता है ना वो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, डज विद थर्ड पर्सन, और जो कि सिंगुलर होना चाहिए। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। और वो थर्ड पर्सन कौन कौन से होंगे, ही शी और इट, और फिर किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे द चाइल्ड हमने कहते हैं वो बच्चा, तो वो एक नाम में ही आ जाता है, ठीक है ना। और जो डू होता है इनको छोड़ के जो सब होते हैं विद ऑल अदर, जैसे कि आई वी दे यू और भी बहुत सारे होते हैं, उन सब के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो इसका रूल क्या बना हमारा नेगेटिव का, नेगेटिव का रूल समझिए, सब्जेक्ट आया था सबसे पहले, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आया था सबसे पहले, उसके बाद डू या डज आया था, डू या डज आया था, उसके बाद आया था नॉट, उसके बाद आई थी वर्ब, उसके बाद आया था ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा रूल बना, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें अब हमारा एस या एस नहीं लगेगा, और ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा ये रूल याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी पीछे हमारा एस या ई एस किस के साथ लगाते हैं, यूज़ ऑफ एस और ई एस अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, ये रह गया था हमारा। तो देखते हैं किस के साथ एस लगाते हैं, किसके साथ ई एस लगाते हैं, और समझते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या होऊंगा, फर्स्ट पर्सन होऊंगा, और आप कौन होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। हम दोनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं, और हम दोनों मिलके आपस में किसके बारे में बात कर रहे हैं,
सपोज हम दोनों कह रहे हैं कि वह लड़की बहुत शैतान है या फिर वह लड़का बहुत शैतान है, तो वह ही या शी या फिर इट वो क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। दो पर्सन मिलके जो किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे थर्ड पर्सन होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या हो जाता हूँ, फर्स्ट पर्सन, और वो सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक ही तो हूँ मैं, तो मैं सिंगुलर हूँ, ठीक है ना। आई क्या होता है, सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, एक तो आई आता है और एक वी आता है। वी होता है प्लूरल, मतलब हम सब, तो हम सब क्या होंगे, बहुत सारे जने होंगे, तो हम प्लूरल होगा, वी प्लूरल होगा, और आई क्या होगा, सिंगुलर होगा। सेकंड पर्सन में तुम, आप तो एक ही हो, तो यू किस में आता है, हमेशा सिंगुलर में, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है ही शी और इट, ये तो एक एक ही हैं, तो ये सिंगुलर में आते हैं। एक थर्ड पर्सन में वह लोग भी आते हैं, मतलब दे, तो दे कैसे हो गए, वह लोग बहुत सारे हो गए, तो वो प्लूरल में आते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सेकंड में भी होते हैं, थर्ड में भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में याद रखिए आई और वी होता है, जो कि एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, जो थर्ड पर्सन में ही शी और इट होता है, जो कि सिंगुलर होता है, और दे क्या होता है हमारा, प्लूरल। अब देखते हैं एस और ई एस किस के साथ लगता है। एस और ई एस यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स, ठीक है ना। जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के साथ एस या ई एस लगता है, जैसे कि ही शी और इट। और एक और बात ध्यान रखिए, यूज विद नेम्स, अगर किसी का नाम दे रखा है तो उसके साथ भी हमेशा एस या ई एस, उसकी वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस जरूर लगेगा। जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस था, देखिए, शी प्लेज क्रिकेट। अब शी कैसा है, थर्ड पर्सन है, वह लड़की क्रिकेट खेलती है, तो देखिए शी के साथ हम क्या लगाएंगे, शी की वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है ना, प्लेस। अब बात यहाँ आती है कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा, तो नोट करिए, इफ वर्ब एंडिंग विद ओ, अगर कोई वर्ब ओ के साथ खत्म हो रही है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, देन यूज ई एस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गो के साथ हम, अगर गो है तो गो के साथ क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। इसी के साथ अगर डू है हमारे पास, तो डू में देखिए ओ से ख़त्म हो रही है स्पेलिंग, और डू में हम एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो डज हो जाता है, ठीक। इसी के साथ एक और पॉइंट नोट करिए, इफ वर्ब्स एंडिंग विद एस एच सी एच टी सी एच एक्स डबल जेड डबल एस, अगर इन सब के साथ अगर कोई वर्ब ख़त्म होती है, इन सब के साथ अगर कोई वर्ब ख़त्म होती है, तो हम भी क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, ई एस। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मिस, क्या, मिस, तो मिस के साथ क्या आता है, ई एस आता है, क्योंकि ये डबल एस से ख़त्म हो रहा है, तो मिसेस। इसी तरह बज, बज मतलब बजेस, भुनभुनाना। फिक्स मतलब फिक्सेस, फिक्स का क्या होगा, फिक्सेस। वॉच का क्या होगा, सी एच आ रहा है लास्ट में टी सी एच, तो वॉचेस, ई एस लगता है। स्प्लैश, एस एच आ रहा है लास्ट में, तो क्या लगेगा, स्प्लैशेस, ई एस लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास ड्राई आए तो हो जाएगा वाई हटके, यहाँ पे क्या आ जाता है, आई ई एस। यहाँ पे देखिए, ड्राई को अगर हम बनाना चाहे ई एस या एस या ई एस लगाना चाहे, तो इसके अंदर वाई ई एस नहीं लगता, आई ई एस हो जाता है। ड्राई का हटके क्या हो जाता है, ड्राइज हो जाता है। फ्लाई, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज। वाई हटके क्या आ जाएगा, आई ई एस। वरी, यहाँ पे भी वाई हटके क्या आ जाता है, वरीज, आई ई एस। स्टडी, स्टडी में भी वाई हटके क्या आ जाता है, आई ई एस, स्टडीज। लेकिन अगर आप बोलें सर प्ले था, प्ले में भी तो वाई था, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया आई ई एस, यहाँ पे एस क्यों आया, तो ध्यान रखिए वाई से पहले हमारा वोवेल होगा। अगर वाई से पहले वोवेल है, वाई से पहले क्या है, ए, और वोवेल क्या होते हैं, ए, अगर वाई से पहले वोवेल होगा तो सिर्फ एस आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, वाई से पहले वोवेल नहीं था, कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, और स्टडी में भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, डी, ठीक है ना। तो जिसमें अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस होगा, और जिसमें वाई से पहले वोवेल होगा तो उसके अंदर सिर्फ एस लगाएंगे। अब बच्ची बात एस की, तो एस इन सबको छोड़ के सबके साथ लगता है, विद ऑल अदर्स। अब आप समझ गए होंगे कि डस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ। डस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही शी, ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है, और द चाइल्ड ये एक नाम हो गया एक तरीके से, तो इसके साथ भी डस लगेगा, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ, सबके साथ डू लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस लगेगा।
ठीक है ना, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल भी है, दे, तो दे के साथ क्या लगता है, हमेशा डू लगता है, ठीक है ना, डज नहीं लगता है, डज सिर्फ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ओके, और देखते हैं इसके अंदर, तो आपको दो सेंटेंसेस समझ में आ गए, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, जैसे कि यही हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस था, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब हम उससे क्वेश्चन पूछे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए यू प्ले क्रिकेट तो था, यहाँ पे अब जो डू या डज होता है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, डज शी प्ले क्रिकेट। अब देखिए वो तो हमें पता ही था कि डू किसके साथ लगाते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है ना, शी कैसा है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, डज। ऐसी डज द चाइल्ड प्ले क्रिकेट, क्या वह बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो द चाइल्ड एक तरीके से नाम हो गया उसका, तो क्या होगा ये, इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। इसके बाद देखिए इसका रूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसके अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा था अभी तक, नॉट वाले मतलब नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आ रहा था फिर डू या डज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। यही तो हो रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर भी एस या यस नहीं लगता है वर्ब के साथ, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही लगता था। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है जिसमें, तो देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डज शी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह लड़की क्रिकेट नहीं खेलती है। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है और वो ये पूछ रहा है कि वो खेलती है या नहीं खेलती है, हाँ या ना, तो इसमें क्या रूल लगा, सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगी, जैसा इसके अंदर होता है इंटरोगेटिव के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी जो कि डू या डज है, फिर सब्जेक्ट आया, लेकिन फिर उसके बाद नॉट आया, ध्यान रखिए जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, तो डू डज उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, जिसके साथ एस या यस नहीं लगता है, सिर्फ अफर्मेटिव में लगता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। आपने चार टाइप के सेंटेंसेस पढ़ लिए, ठीक है, सिंपल टेंस में, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक नेगेटिव सेंटेंसेस, एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपने चार टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े, अब इसके अंदर इसका क्या यूज है वो देखते हैं, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सबसे पहला क्या है, टेक्स एक्शन टेक्स प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस, अगर कोई एक्शन रेगुलर बेसिस पे, अगर कोई एक्शन टेक्स प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस, अगर कोई एक्शन रेगुलरली हो रहा हो हमारा, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि प्रिया वॉशिज हर क्लोथ्स डेली, प्रिया रोज अपने क्लोथ्स धोती है, तो ये कैसा हो गया, अफर्मेटिव हुआ, कैसा हुआ, अफर्मेटिव हुआ, जिसके अंदर नॉट वगैरह का यूज नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए प्रिया के आगे जो वर्ब है, जो कर रही है, क्या कर रही है, प्रिया कपड़े धो रही है, तो उसके साथ देखिए वॉश के साथ ईएस भी लगा, ऐसे ही ईएस लगता है ना, बताया था आपको मैंने किसी नाम के साथ, तो वही यहाँ पे हुआ, प्रिया वॉशिज हर क्लोथ्स डेली। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना है, इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हर एक सेंटेंस पे हम, तो देखते हैं नेगेटिव बनाया अगर हमने इसका, तो क्या लगता था हमें, अपना क्या लगना है, रूल याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था नेगेटिव में, तो हमने लगा दे प्रिया, उसके बाद हमने देखा था डू या डज लगता है, हमने देखा था डू डज किसके साथ लगता था, किसी नाम के साथ, तो देखिए प्रिया एक नाम है तो हमने लगाया डज, फिर नॉट डज नॉट वॉश, अब यहाँ पे वॉश के साथ एस या यस नहीं लगाएंगे, हमने पढ़ा था जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर नो एस और ई एस, हम एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते वर्ब के अंदर, वर्ब के साथ इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो देखिए प्रिया डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स डेली, प्रिया अपने कपड़े रोज नहीं धोती है, तो हमने नेगेटिव बनाया इसका, इसका इंटरोगेटिव बना के देखते हैं, सबसे पहले क्या लगता था,
डू या डज, हेल्पिंग में पहले लग जाती थी इसके अंदर, और डज किस तरह लगता है नाम के साथ, तो ये हमने करा डज प्रिया वॉश, यहाँ पे भी ऐसी है, यस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, डज प्रिया वॉश हर क्लोथ्स डेली, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या प्रिया अपने क्लोथ्स डेली नहीं धोती है, ये बात है। इसके बाद देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, देखते हैं डज प्रिया नॉट वॉश हर क्लोथ्स डेली, क्या प्रिया अपने क्लोथ्स डेली नहीं धोती है, ठीक है ना, वो पूछा है नहीं धोती है, यहाँ पे पूछ रहा था क्या वो धोती है, ये मतलब है क्या प्रिया अपने कपड़े रोज धोती है, क्या प्रिया अपने कपड़े रोज नहीं धोती है, ये वाली बात है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सॉरी, राम गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, राम हर रोज सुबह सुबह, मतलब ये वाली बात है कि सुबह राम टेम्पल जाता है, तो गोज, देखिए यहाँ पे राम क्या एक नाम है, तो उसकी जो वर्ब है गो जाता है, उसके साथ हमने क्या लगाया एस या ई एस, मतलब ई एस लगाया, तो देखिए द राम गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, ये कैसा सेंटेंस हो गया हमारा अफर्मेटिव, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हमने लगा दिया डज नॉट, राम डज नॉट गो, अब गोज का क्या हो जाएगा गो, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव में एस या ई एस नहीं लगता है, ना ही तो इंटरोगेटिव में लगता है, ना ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में लगता है, तो राम डज नॉट गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, राम सुबह मंदिर नहीं जाता है, डज राम गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, क्या राम सुबह टेम्पल जाता है, ये कैसा हो गया इंटरोगेटिव, डज पहले लग गया, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई, अब डज राम नॉट गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, ये हमने इसका क्या बना दिया इंटरोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले हमने डू या डज लगाया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, क्या राम सुबह सुबह टेम्पल नहीं जाता है, ये पूछा हमने। इसके बाद देखते हैं सेकेंड यूज इसका, टॉकिंग अबाउट हॉबीज, हॉबीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो किस में गिना जाता है, सिंपल टेंसेज में, प्रेजेंट सिंपल टेंसेज में, सुमन लाइक्स गार्डनिंग, सुमन को गार्डनिंग अच्छी लगती है, तो कैसी हो गई अफर्मेटिव, सुमन एक नाम है तो उसकी जो उसके साथ जो वर्ब यूज हुई उसके साथ हमने क्या लगा दिया एस लगा दिया, लाइक्स गार्डनिंग, तो हमने इसके नेगेटिव बना के देखा सुमन डज नॉट लाइक गार्डनिंग, अब देखिए लाइक में एस हटा दिया हमने क्योंकि हम जानते हैं वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता नेगेटिव में, और हमने डज लगा दिया क्योंकि नाम के साथ हमेशा क्या आता है डज आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और किसी नेम के साथ हमेशा क्या आएगा डज, तो सुमन डज नॉट लाइक गार्डनिंग, सुमन को गार्डनिंग अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हमने इंटरोगेटिव देखा, तो इंटरोगेटिव में हमेशा हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, ये आप सब जानते हैं, डज सुमन लाइक गार्डनिंग, क्या सुमन को गार्डनिंग अच्छी लगती है, डज सुमन नॉट लाइक गार्डनिंग, क्या सुमन को गार्डनिंग नहीं अच्छी लगती है। इसके बाद थर्ड यूज देखते हैं इसका, टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, जब हम किसी फैक्ट्स के बारे में बात करें कि हाँ ये तो 100% करेक्ट बात है, देखते हैं जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो वाटर बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तो वाटर कैसा एक नाम ही हो गया, तो देखिए बॉयल के साथ हमने क्या लगा दिया एस, जो इसका बॉयल है मतलब उबल रहा है, उबलता है, वाटर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखिए उबलना ये उसकी क्या हो गई क्रिया मतलब वर्ब हो गई, तो वर्ब के साथ हमेशा एस या एस लगता है, हमने देखा था अफर्मेटिव में तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री पे उबलता है। इसके बाद हमने इसका नेगेटिव बना के देखा, तो वाटर के साथ क्या लाएगा नाम है, नाम के साथ हमेशा क्या आता है डज, तो वाटर डज नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉयल अब यहाँ पे हमने एस हटा दिया, अब हमने यहाँ पे एस हटा दिया, डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमने इसका इंटरोगेटिव बनाया, क्या वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ठीक, डज वाटर नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता है, तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी फिर सब्जेक्ट लगा फिर नॉट लगा, ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। कहने का मतलब क्या है, आपको एक अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना चाहिए, इंटरोगेटिव बनाना चाहिए और उसका अब हम देखते हैं फोर्थ इसका यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, टेलिंग यूनिवर्सल ट्रुथ्स, अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में बात करें जिसकी कोई दो राय हो ही नहीं सकती, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो पूरब से निकलता है, तो सन एक नाम हो गया, उसके साथ जो राइज आया मतलब उगना, तो ये एक वर्ब हो गई उसकी, और वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया, ठीक, क्योंकि वो एक नाम है, तो ये हमारा कैसा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना के देखें तो क्या बनेगा, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सन पूरब में नहीं निकलता,
तो ये डस किसके साथ लगता है, हमने देखा था नाम के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और ये क्या लगा, नॉट। ठीक, उसके बाद डस द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सन पूरब से निकलता है, तो यहाँ पे देखिए जो वर्ब है उसके साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया, ना यहाँ पे लगाया और ना ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में, सिर्फ अफर्मेटिव में लगाते हैं, ये हमने बताया आपको। तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सन ईस्ट से निकलता है, क्वेश्चन मार्क लगाया। इसके बाद हमने इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाकर देखा, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सन ईस्ट से मतलब पूरब से नहीं निकलता है, ये वाली बात आ गई। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए जो सब्जेक्ट है उससे पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सन ईस्ट से नहीं निकलता है, ये वाली बात है। अब क्वेश्चंस का टाइम है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, आप उसको घर से करके लेके आइएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ऋतिका और शिवम झगड़ते हैं, रीना गाना गाती है, सोनू गाड़ी चलाता है, दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है, वह बाजार जाता है, मेरी बहन दिल्ली में रहती है, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, चंद्रमा प्रकाश देता है, चंदन और राजन तैरते हैं। तो आपको इन सब की जो हिंदी है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। एक मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, मतलब 10 है आपको, 10 के 10 करने हैं। सबसे पहला करके देखते हैं, सबसे पहला क्या है, ऋतिका और शिवम झगड़ते हैं, तो देखते हैं। ऋतिका एंड शिवम क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ना, तो क्या हो गया, ऋतिका एंड शिवम क्वेरल। अब आप कहेंगे सर आपने क्वेरल के साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, ऋतिका और शिवम तो नाम है और आपने कहीं नाम के साथ हमें हमेशा एस या ई एस लगेगा। तो देखिए ध्यान रखिए, नाम भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर मतलब दो या दो, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर दो भी हो गए तो हम क्या लगाएंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस या ई एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो ये ऋतिका एंड शिवम कैसे हो गए, प्लूरल हो गए, अब ये नाम प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हमेशा एस या ई एस नहीं लगता है। ऋतिका एंड शिवम क्वेरल, ऋतिका और शिवम झगड़ते हैं। अब आपने अफर्मेटिव तो बना लिया इसका, लेकिन अब आपको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके 3 और सेंटेंस बनाने हैं, इसके नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी। तो देखते हैं इसका नेगेटिव, ऋतिका और शिवम नहीं लड़ते हैं, नहीं झगड़ते हैं, ऋतिका एंड शिवम डू नॉट क्वेरल, नाम के साथ डज लगता था लेकिन दो नाम के साथ डू ही लगेगा, वही वाली बात बताई ना मैंने आपको, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है डज। ठीक है ना, नेम भी नेम के साथ लगता है डज, लेकिन दो नाम नहीं होने चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। तो दो नाम है यहाँ पे, तो हमने क्या लगाया, डू, तो डू नॉट क्वेरल, ऋतिका और शिवम झगड़ते नहीं है, नहीं झगड़ते हैं। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन बना के पूछा, क्या ऋतिका और शिवम झगड़ते हैं, तो हमने क्या लगाया, डू, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती थी डू या डस, नाम के साथ डस लगता था लेकिन यहाँ पे दो नाम है, हमने यहाँ पे डू लगाया, डू ऋतिका एंड शिवम क्वेरल, क्या ऋतिका और शिवम झगड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया, ये इंटरोगेटिव बनाया हमने इसका। फिर हमने इसका इंटरोगेटिव, तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया, डू ऋतिका एंड शिवम नॉट क्वेरल। अब यहाँ पे देखिए, क्वेरल में भी हमने एस या ई एस नहीं लगाया, वो हम जानते हैं सिर्फ अफर्मेटिव में लगाते हैं, और अफर्मेटिव में भी इसे नहीं लगाया क्योंकि एक नाम के साथ एस या ई एस लगता है, सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ऐसे यहाँ पे हमने डज नहीं लगाया क्योंकि हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ये तो दो नाम है, प्लूरल हो गए, तो हम इसके साथ डू ही लगाएंगे, डू ऋतिका एंड शिवम नॉट क्वेरल, क्या ऋतिका और शिवम झगड़ते नहीं है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से आपको ये जो 10 क्वेश्चन है, इन सबका सबसे पहले अफर्मेटिव बनाना है, फिर उसका नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये 10 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं जैसे एक करके बताया आपको। ओके, अब देखते हैं दूसरे आपको क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको करेक्ट करके लिखना है, जैसे कि राम सिंग अ सॉन्ग, डू यू प्लेज द गिटार, ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, डज यू लाइक टू वॉच क्रिकेट, Do not you like the games? He not drive a car. They eats healthy food. Do Rohit not likes dance? He study one topic daily. They does not silent in the class.
ये आपको 10 करके लाने हैं, इनको करेक्ट करके लिखना है। देखते हैं कैसे करेक्ट करके लिखना है, एक करके बताता हूँ मैं आपको, उसी तरीके से आपको 10 करने हैं। ओके, सबसे पहला लेके चलते हैं राम सिंह अ सॉन्ग। अब देखते हैं ये अफर्मेटिव है हमारा, सबसे पहले ये अफर्मेटिव है तो ठीक है। इसके आपको है ना काइंड्स भी लिखने हैं, मतलब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, वो भी लिखना आपको। तो राम सिंह अ सॉन्ग, ये एक अफर्मेटिव है, नॉट भी नहीं लग रहा है ना क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो देखिए राम सिंह अ सॉन्ग ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अफर्मेटिव। अब राम एक नाम है और हम जानते हैं राम अगर एक नाम है और एक नाम के आगे अगर वर्ब आएगी तो उसमें एस या ईएस लगेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सिंह के साथ है, यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया था, तो हमको यहाँ पे एस लगाना था, यही गलती थी। राम सिंग्स अ सॉन्ग, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर एस या ईएस आता है, तो हमने एस या ईएस नहीं लगाया था इसके अंदर। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन है और नाम है, तो देखिए राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये इसमें करेक्शन हो गई। इसी तरीके से आपको करेक्शन करके लिखने हैं 10 के 10 सेंटेंसेस, और ये 10 सेंटेंसेस और इसके काइंड भी लिखने कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।